आओ यार, अपने कान में ईयरफोन्स डाल लो। क्या डाल भी लिए? बहुत तेज हो रहे हैं, बहुत तेज हो रहा सालो। खराब शुरू करते हैं बिना किसी बकचोदी। म्यूजिक हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आप इस तरह का वीडियो एडिट करना चाहते हो तो वीडियो को एंड तक देखना। और इस तरह का वीडियो एडिट करने के लिए एक ऐप की ज़रूरत है जिसका नाम है एलाइड मोशन। आपके पास एलाइड मोशन ऐप नहीं है तो एलाइड मोशन ऐप का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, आप जाके डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड करने के बाद आप एलाइड मोशन ऐप को ओपन कर दीजिए। जैसे ही आप एलाइड मोशन ऐप ओपन करेंगे इस तरह का इंटरफेस दिखेगा। फिर नीचे प्रोजेक्ट पर क्लिक करना है। प्रोजेक्ट पर क्लिक कर शेक इफेक्ट और सॉन्ग बीट मार्क में इसका लिंक में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, आप जाके एलाइड मोशन ऐप पे इनपुट कर लीजिए। इनपुट करने के बाद जैसे ही आप सॉन्ग बीट मार्क के क्लिक करेंगे इस तरह का इंटरफेस देखेगा। फिर आप सॉन्ग के जिस जिस जगह पे बीट है उस जगह पे फ़ोटो को ऐड करना है। फ़ोटो को ऐड करने के लिए प्लस आइकॉन पे क्लिक करिए, फिर मीडिया पे, फिर फ़ोटो को सिलेक्ट करिए। फ़ोटो को फिर ऊपर थ्री डॉट दिख रहा है, थ्री डॉट पे क्लिक करिए। थ्री डॉट पे क्लिक करके फिल स्किन कर दिए। फिल स्किन करने के बाद इस आइकॉन पे क्लिक करिए और सॉन्ग के जिस नेक्स्ट बीट है उस पे चला जाएगा। तो चला जाने के बाद फ़ोटो को सिलेक्ट करिए और इस आइकॉन पे क्लिक करके फ़ोटो को कट कर दीजिए। और फिर प्लस आइकॉन पे क्लिक करिए, फिर मीडिया पे, फिर फ़ोटो को ऐड कर लिए, फिर थ्री डॉट पे, फिर फिल स्किन करना है। फिल स्किन करने के बाद इस आइकॉन पे क्लिक करिए और सॉन्ग के नेक्स्ट बीट है उस पर चला जाएगा। उस पर चला जाने के बाद आपको फ़ोटो को टच करना है। टच करने के बाद इस आइकॉन पे क्लिक करिए, फ़ोटो को बाकी जो ड्यूरेशन है वो कट कर दीजिए। कट करने के बाद फिर प्लस आइकॉन पे क्लिक करिए, फिर मीडिया पे जाना है, फिर फ़ोटो को सिलेक्ट करना है। फ़ोटो को सिलेक्ट करने के ऊपर थ्री डॉट पर क्लिक करना है। थ्री डॉट पर क्लिक कर फ़ोटो को फिल स्किन करना है। फिल स्किन करने के बाद इस आइकॉन पर क्लिक करिए, फिर फ़ोटो को सिलेक्ट करिए और इस आइकॉन के लिए फ़ोटो को कट कर दीजिए। इस तरीके से सभी फ़ोटो को सॉन्ग के बीट के हिसाब से ऐड करना है। वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो इसीलिए मैं वीडियो को थोड़ा कट कर देता हूँ। सभी फ़ोटो को ऐड करने के बाद आप जैसे ही सभी फ़ोटो ऐड कर लीजिए, ऐड करने के बाद आप फर्स्ट पे आ जाइए। फर्स्ट पे आ जाने के बाद बैक करिए। बैक करने के बाद इफेक्ट पे क्लिक करिए। शेक इफेक्ट जस्ट मैं इसका लिंक आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, आप जाके डाउनलोड करके एलाइड मोशन ऐप पे इनपुट कर लीजिए। इनपुट करने के बाद और फिर फ़ोटो पे क्लिक करिए। फ़ोटो पे क्लिक करने के बाद इफेक्ट पे क्लिक करिए। इफेक्ट पे थ्री डॉट पे क्लिक करने के बाद कॉपी इसका इफेक्ट को आप कॉपी कर लीजिए। कॉपी करने के बाद बैक करिए। बैक करने के बाद उस जिस सॉन्ग बीट मार पे क्लिक करिए। सॉन्ग बीट मार पे क्लिक करने के बाद आप इस इफेक्ट को आप सेवन फ़ोटो में ऐड करना है। ऐड करने के लिए आपको फिर फ़ोटो को टच करना है। फ़ोटो को टच करना है, इफेक्ट पे इफेक्ट देना है, फिर थ्री डॉट पर पेस्ट इफेक्ट कर देना है। इस इफेक्ट को आप सेवन फ़ोटो में ऐड करना है। फिर फ़ोटो को सेलेक्ट करना है, फिर इफेक्ट पे जाना है, फिर थ्री डॉट पे फिर पेस्ट कर लीजिए आप। फिर इफेक्ट पे जाना है, फिर थ्री डॉट पे फिर पेस्ट करना है। फिर इस फ़ोटो को टच करना है, फिर इफेक्ट पे जाना है, फिर थ्री डॉट पे जाना है, फिर पेस्ट करना है। पेस्ट फिर नेक्स्ट फ़ोटो को आप फिर टच करना है, फिर इफेक्ट पे जाना है, फिर थ्री डॉट पे जाना है, फिर पेस्ट करना है। फिर आपको फ़ोटो को टच करना है, फिर इफेक्ट बनाना है, फिर थ्री डॉट पे पेस्ट करना है। सेवन फ़ोटो में आप इस इफेक्ट को लगा लीजिए।
जैसे ही आप 7 फोटो को इस इफेक्ट को लग ऐड कर लिए, ऐड करने के बाद फिर बैक पे आना है। बैक पे आने के बाद फिर से एक इफेक्ट पे जाना है। इफेक्ट जाना है नेक्स्ट इफेक्ट टू, इस इफेक्ट को कॉपी करना है। कॉपी करने के लिए फ़ोटो को टच करिए और इसे इफेक्ट पे क्लिक करिए, फिर 3 डॉट पे, फिर कॉपी इफेक्ट कर लीजिए। कॉपी इफेक्ट करने के बाद आप बैक करके उस जगह पे जाना है। उस जगह पे जाने के बाद आप उस 7 फोटो को छोड़ के आप बाकी जो फ़ोटो है उस पर ये इफेक्ट ऐड करना है। ऐड करने के लिए फ़ोटो पे टच करिए, फिर इफेक्ट पे जाना है, फिर 3 डॉट पे जाना है, फिर प्रेस करना है, फिर नेक्स्ट फ़ोटो को टच करिए, फिर इफेक्ट पे जाना है, फिर 3 डॉट पे, फिर प्रेस करना है, फिर नेक्स्ट फ़ोटो को टच करिए, फिर इफेक्ट पे जाना है, फिर 3 डॉट पे जाके प्रेस करना है। इस तरह का से आपको इस इफेक्ट को ऐड करना है। फिर नेक्स्ट फ़ोटो पे क्लिक करिए, फिर इफेक्ट पे जाके, फिर 3 डॉट पे, फिर पेस्ट, फिर इफेक्ट पे जाना है, फिर 3 डॉट पे, फिर पेस्ट करना है, फिर नेक्स्ट फोटो पे क्लिक करके इफेक्ट पे जाके 3 डॉट पे जाके पेस्ट करना है, फिर नेक्स्ट फोटो पे जाके इफेक्ट पे क्लिक करी 3 डॉट पे जाके पेस्ट करना है। I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away. Yeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby I have a taste. All the highs and the lows, no, you'll never be the same. I don't really wanna hurt you, but I can't control the pain. If you're sticking by my side, maybe we could be okay. Okay, okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. I really hope that you will choose to stay through all the pain. I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Try to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. फिर से आपको सेक इफेक्ट पढ़ना है। आने के बाद इस फोटो को टच करना है, फोटो को टच करने इफेक्ट पढ़ना है, फिर 3 डॉट पे, फिर कॉपी इफेक्ट करना है। कॉपी इफेक्ट करने के बाद फिर से आप बैक कर लीजिए। बैक करने के बाद फिर से सॉन्ग बीट मार पे क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद जैसे ही आप क्लिक करेंगे इस तरह का इंटरफेस दिखेगा। फिर आपको जिस फोटो को ड्यूरेशन बढ़ा है उस फोटो पे ये इफेक्ट ऐड करना है। करने के लिए फ़ोटो को टच करिए, फिर इफेक्ट पे क्लिक करना है, फिर 3 डॉट पे, फिर पेस्ट इफेक्ट। फिर आपको फिर चले जाना है जिस फोटो का ड्यूरेशन बढ़ा है उस फोटो को टच करना है। टच करने के बाद इफेक्ट देना है, फिर 3 डॉट पे, फिर पेस्ट करना है। फिर से आपको चले जाना है बड़े फोटो के बाद, फिर इफेक्ट देना है, फिर 3 डॉट देना है, फिर पेस्ट करना है। फिर आपको जिस फोटो को ड्यूरेशन बढ़ाए उस फोटो के ये इफेक्ट ऐड करना है। I know you told your friend you're not okay. And tell
tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray. As you जैसे ही आप सभी फोटो को ऐड कर लीजिए, उसके बाद आपको ऊपर ये आइकॉन दिख रहा है, उस पर क्लिक करना है। उस पर क्लिक करने के बाद ये वीडियो एक्सपोर्ट कर लेना है। एक्सपोर्ट कर जैसे एक्सपोर्ट हो रहा है, आप हमारा वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जैसे आपका वीडियो एक्सपोर्ट हो जाएगा, उसके बाद सेव पर क्लिक कर दीजिए।